हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़मैन। मैं हूं कपिल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बेल आइकन भी दबाइए। कोरोना वायरस ने एक तरह से जो लॉकडाउन किया है, उसके बाद देश में एक पैनिक मोड दब गया था। लोग सामान लेने के लिए, ग्रॉसरीज लेने के लिए दुकानों की तरफ भागे और काफ़ी लोगों इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि लाखों लाखों जो माइग्रेटरी लेबर थी, उनके अंदर एक ऐसी दहशत बैठी कि ना सिर्फ मेट्रो से बल्कि बी टाउन, बी कैटेगरी टाउन से भी उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ था तो उन्हें ट्रेन और बसें कुछ मिल रही थी, लेकिन अब जब 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है, एयर स्पेस बंद है, रेल बंद है, रोड बंद हैं, तो बहुत बहुत सारे मजदूरों को पैदल चलते देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। गुजरात में जो लेबर काम कर रही थी वो राजस्थान पहुंच रही है, राजस्थान जो लेबर काम कर रही थी वो इलाहाबाद पहुंच रही है, पुणे से भी लोग बिहार की तरफ रुक कर चुके हैं। भूख और एक तरह से अनिश्चित भविष्य को लेकर लाखों लोग सड़कों पर हैं, धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं। अब तर्क ये भी हो सकता है कि वो अपने घर पे ही क्यों नहीं रहे, वो उन्हीं इलाकों में क्यों नहीं रहे जब लॉकडाउन हुआ था। तो हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, हो सकता है उनके पास रहने की वो जगह ना हो, व्यवस्था ना हो, क्योंकि 21 दिन तक तो कोई भी दुकानें, कोई भी फैक्ट्रियां चालू नहीं होंगी, काम नहीं करेंगी। तो जाहिर है उनको लगा होगा कि इससे बेहतर तो उनका अपना घर है। ऐसे में बहुत सारे मदद के हाथ भी सामने आ रहे हैं। पुलिस मदद भी कर रही है, खाना खिला रही है, आम लोग भी उन्हें खाना खिला रहे हैं, लेकिन घर पहुँचने में जो दिक्कतें उन्हें आएंगी वो शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह के जो फुटेज, पिक्चर्स सामने आ रही हैं, वो वाकई दिल को दहला देने वाली हैं कि दुख की इस घड़ी में लोगों को कितना और ज़्यादा दुख मिल रहा है कि इतना लंबा लंबा सफ़र वो तय करके कब घर पहुंचेंगे, कब अपनों से मिलेंगे, कब खाना खाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल निशान है जिसको शासन और प्रशासन दोनों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इतने लाखों लोगों को वो घर सुरक्षित कैसे पहुंचा सकती है। सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, ग्रॉसरीज की शॉप्स खोल दी हैं, फ्री खाना मिल रहा है सरकारों की तरफ से, बहुत रियायतें सरकार ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है। दिल्ली से कपिल कुमार, न्यूज़मैन।